तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा कि मुइचिरो ग्योमी और सानेमी कोकुशिबो को एक स्ट्रेटजी से हमला करते हैं, पर इससे बेचारे मुइचिरो का एक पैर भी कटा जाता है। गेन्या अपने राक्षसी रूप में आके कोकुशिबो को शूट करता है और ब्लड डिमोनाट यूज़ करता है। तभी कोकुशिबो को एक 400 साल पुराना हादसा याद आता है, जब वो अपने भाई योरिची से मिलता है। दोनों भाइयों के बीच एक लड़ाई होती है, पर योरिची जीत के साथ ही मौत भी पाता है। फाइनली ग्योमी और सानेमी कोकुशिबो के गले को काट ही डालते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या यही कोकुशिबो का अंत है, या कुछ और ही नैरेटिव्स देखने मिलेंगे? जाने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। कोकुशिबो सोचने लगता है, जब योरिची मुस्कुराता था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब हम ब्रीथिंग स्टाइल्स के सक्सेसर के बारे में बात कर रहे थे योरिची आलतू फालतू के चीज़ें सोचकर मुस्कुराता था। मेरा मानना है कि हमारा जनरेशन ही स्पेशल था। कटे जाने के बावजूद वो बच्चा अपने तलवार को नहीं छोड़ रहा है। उस इंसान ने भी ब्लड डिमन आर्ट का यूज़ किया, और उस बंदे को मैं जितना ही काट लूँ उसका खून मौत तक नहीं बहता। और उस वाले का ग्रोथ का स्पीड डीमंस के बराबर ही है। वो ऐसे हिलता है कि अपनी सीमाओं को भी पार कर दे। वह सनब्रीथिंग के यूज़र्स नहीं होने के बावजूद भी उनके तलवारें लाल बन गए। ऐसे भविष्य को इमेजिन करने में इतना क्या मज़ेदार है? हारने के बारे में सोचने से ही मेरा शरीर गुस्से से उबलने लगता है। मैं फिर नहीं हारूंगा। हाँ, भले ही उन्होंने मेरा सर काट दिया हो। इसके बाद कोकुशिबो के कटे गले से अचानक खून बहना बंद हो जाता है। ग्योमी इस बात को नोटिस करता है एंड वो सानेमी को चिल्लाकर बोलने लगता है, अपने हमलों को मत छोड़ो, इसे बिछाते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए मुचिरो और गेंडा के जीवन को बर्बाद मत होने देना। इसके बाद सानेमी रोते हुए सरकटे कोकुशिबो को चिल्लाने लगता है, जो है सामने रखो, मैं तुम्हें तब तक काटता रहूँगा जब तक कुछ भी ना बचे। ये कहकर सानेमी विंड ब्रीथिंग 8 फॉर्म को कोकुशिबो पर यूज़ करता है। ग्योमी भी स्टोन ब्रीथिंग के 5th फॉर्म को यूज़ करता है। कोकुशिबो ग्योमी के कुल्हाड़ी को डॉच करता है और मुइचिरो के उस हाथ को भी काट डालता है जिससे वो स्वॉर्ड पकड़ रहा था। अब मुइचिरो अपने दोनों हाथों को ही खो चुका है। फिर कोकुशिबो सोचता है, मेरा शरीर टूट नहीं रहा है, अगर मैं उस बच्चे की तलवार और उस राक्षस की गोली को अपने शरीर से बाहर निकाल दूँ तो भी मैं फिर से जीवित हो सकता हूँ। मैं अभी भी मरा नहीं हूँ। ये उस बच्चे की तलवार का प्रभाव है, और उस राक्षस का ब्लड डिमन आर्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तब मैं डिकैपिटेशन से मृत्यु को हरा दूंगा। ऐसे ही कोकुशिबो का सर फिर से उगने लगता है। सानेमी और ग्योमी अपने बेस्ट दे रहे थे, बट कोकुशिबो पर कुछ असर नहीं होता है। तभी कोकुशिबो एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। जैसे कि पहले वो एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखता था, बट इस बार तो वो प्योरली डिमोनिक लग रहा है। सानेमी ये देखकर गुस्सा होता है। हाउएवर ग्योमी उसे हार ना मानने कहता है और हमले करते रहने कहता है। कोकुशिबो उतने तेज़ी से भी रिजेनरेट नहीं कर रहा है जितना मुजान करता है। ग्योमी और सानेमी दोनों कोकुशिबो को हमले करने चाहते हैं। तभी कोकुशिबो सानेमी की तलवार में अपने नए रूप के रिफ्लेक्शन को देखता है। तभी वो सोचता है, क्या है ये, इतना गंदा दिख रहा है। ऐसे ही उसे बचपन के योरिची के बातें याद आते हैं, जहाँ योरिची कहने लगता है, भाई क्या तुम्हारा सपना इस देश का सर्वशक्तिमान समुराई बनने का है? मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। मैं देश का दूसरा सर्वशक्तिमान समुराई बनना चाहता हूँ, और पहले तुम होगे। इससे प्रेजेंट में कोकुशिबो अपने लुक्स के बारे में सोचने लगता है। क्या एक समुराई ऐसा दिखता है? क्या ये वैसा ही है जैसा मैं चाहता था? अचानक जिस जगह मुइचिरो ने कोकुशिबो पर तलवार घुसाया था वो अपने आप उखड़ने लगता है। कोकुशिबो ये देखकर चौंकने लगता है। उसी क्षण ग्योमी और सानेमी कोकुशिबो के नए सर को काट डालते हैं, और कोकुशिबो अपना ब्लड डिमन आर्ट करने में असफल रह जाता है। कोकुशिबो स्टिल हार नहीं मानता है और रिजेनरेट करने की पूरी कोशिश करता है। तभी उसे बूढ़े योरिची का बात याद आता है कि योरिची को कोकुशिबो पर दया है। कोकुशिबो अपने इरादों पर सवाल उठाता है और सोचता है कि क्या यही वो है जो वह अपने जीवन और कर्मों से चाहता था।
वो खुद को जीवन का अपमान मानता है और स्वीकार करता है कि वो जो कुछ भी बनना चाहता था वो था अपने भाई योरिची की तरह बनना। कुकुशिबो सोचने लगता है, जिन लोगों को दूसरों से जलन नहीं होती उनके गुड लक होते हैं। वैसे लोगों ने कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले जो भगवान के फेवर के साथ जीता हो, जो सूरज की तरह जलता हो, इतना प्रचंड, इतना तेज कि वे अपने चारों ओर की हर चीज़ को भस्म कर दे। ऐसा कुकुशिबो योरिची को ही डेडिकेट करके सोच रहा था। इसके बाद कुकुशिबो अपने बैक स्टोरी को याद करता है। बाय द वे, मैं बता देता हूँ कि जब कुकुशिबो इंसान हुआ करता था उसका नाम था मिचिकात्सु सुगिगुनी। जिस युग में योरिची और मिचिकात्सु यानी कुकुशिबो का जन्म हुआ, जुड़वे बच्चों को अशुभ माना जाता था। वह अपने साथ उत्तराधिकार को लेकर स्ट्रगल क्रिएट करते थे। इवन योरिची एक अशुभ निशान के साथ पैदा हुआ था। इसके उसके पिता ने उसे मार डालने का फैसला किया, बट ये सुनकर उसकी माँ अचानक आग की तरह बेकाबू गुस्से में भड़क उठी। इसके बजाय एक घोषणा किया गया, मारे जाने के बजाय योरिची को 10 साल की उम्र में मंदिर भेजा जाएगा जहाँ वो मॉन्क या पंडित वगैरह होगा। फायो होने के बावजूद भी योरिची और मिचिकात्सु का पालन पोषण बिल्कुल अलग था। उनके कमरे, उनके कपड़े, उनके शिक्षा, उनके खाने, सब कुछ अलग अलग थे। शायद इसीलिए योरिची अपने माँ से खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। जब भी मिचिकात्सु अपने माँ को देखता था, योरिची हमेशा उनके बाएं ओर चिपकता हुआ था। ऐसे छोटे भाई से मिचिकात्सु को दया था। अपने पिता से छोड़ी छुपे मिचिकात्सु उस छोटे से कमरे में जाया करता था जहाँ योरिची को खेलने दिया गया था। अगर मिचिकात्सु योरिची को अपना सामान दिया होता तो उनके पिता को यह पता लग जाता। इसीलिए मिचिकात्सु योरिची को एक बांसुरी देता है जो वो योरिची के लिए बनाता है, बट योरिची कभी इतना मुस्कुराया नहीं था। वो अपने बचपन से ही ऐसा था। 7 साल की उम्र तक उसने कभी बात नहीं किया। तब तक सभी उसे डीफ सोचे थे। एक दिन मिचिकात्सु बगीचे में तलवारबाजी का प्रैक्टिस कर रहा था, तभी योरिची आके एक पाइन ट्री के छांव में खड़ा हो जाता है। तभी वो भोला योरिची अपने भाई मिचिकात्सु को पूछने लगता है, भैया क्या आपका सपना देश का सबसे ताकतवर तलवारबाज बनना है? मिचिकात्सु ने कभी नहीं सोचा था कि योरिची बोल भी सकता है। मिचिकात्सु इससे हैरान रह जाता है और उसका लकड़ी का तलवार अपने हाथ से फिसल जाता है और फिर योरिची ने समुराई बनने का इरादा ले लिया। लेकिन योरिची जल्दी 10 साल का होने वाला था जिससे उसे मंदिर भेजा जाता। उसे मॉन्क ही बनना था, समुराई नहीं। तभी योरिची मुस्कुराता है जो मिचिकात्सु ने पहली बार देखा था। इससे मिचिकात्सु विचलित हो जाता है। कोई अपने माँ के पास लिपट जाता है, वो अपने जान को जोखिम में डालकर एक समुराई बनेगा कैसे? मिचिकात्सु के मुताबिक ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी नेक्स्ट टाइम जब मिचिकात्सु ट्रेनिंग कर रहा था, योरिची कुछ इंस्ट्रक्शंस पाने की आशा में वह आ जाता है और खड़ा हो जाता है। उनके पिता का एक दोस्त जो मिचिकात्सु को भी ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने योरिची को भी ट्रेन करने को डिसाइड किया और उसे एक बैम्बू स्वॉर्ड देते हैं। उन्होंने योरिची को सिखाया कि उस स्वॉर्ड को ऐसे पकड़े, उसके साथ कैसे खड़ा हो। फिर वो दोनों एक प्रैक्टिस लड़ाई के लिए प्रस्तुत होते हैं। हाउएवर लड़ाई में जो हुआ वो सभी को हिला देने वाला था। योरिची ने ऐसा लड़ा कि उसने उन ट्रेनर को मार गिराया, जबकि मिचिकात्सु ने उन ट्रेनर को एक बार भी खड़ोच तक नहीं पहुंचा पाया, बट योरिची ने पलक झपकते ही उन्हें हरा डाला। इससे वो ट्रेनर भी थोड़े इंजर्ड हो गए, बट तब से योरिची ने ऐसा कभी दोबारा नहीं बोला कि वो समुराई बनना चाहता है। उसने बोला कि उसे बर्दाश्त नहीं होता कि लोगों को चोट पहुंचाते हुए कैसा महसूस होता है। बट मिचिकात्सु किसी भी कीमत पर योरिची की शक्ति का राज पता करना चाहता था। उसने योरिची को कई सवाले पूछे और उन दोनों की बातचीत के ही दौरान योरिची ने कुछ समझ के बाहर ही कह डाला। योरिची कहता है, हमला करने के ठीक पहले हमें एक गहरी सांस लेना चाहिए, फिर हमें अपने स्केलेटल अलाइनमेंट, मसल कंट्रैक्शन, ब्लड फ्लो, उस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसे समझने के लिए मिचिकात्सु को थोड़ा समय लगता है। योरिची के लिए किसी जीव का शरीर ट्रांसपेरेंट था एंड ये सब उस मार्क का ही असर था जो उसके चेहरे पर है। इसी के कारण उसके फिजिकल पावर और साइट ओवरपावर्ड है। तभी योरिची दुखी होकर मिचिकात्सु से कहने लगता है, भाई तलवारों की बात करने के बजाय मैं आपके साथ सुगुरों को खेलना चाहूँगा
या पतंग उड़ाना पसंद करूंगा। इसके बाद मिचिकात्सु तलवारबाजी को जारी रखता है, लेकिन उस चमत्कारी बच्चे के बगल में मिचिकात्सु कछुए की गति से चल रहा था। कितना अच्छा होता अगर टैलेंट चाहने वालों को दिया जाता। तलवारबाजी के छड़छाव से योरिची अब बोर फील कर रहा था। भले ही योरिची उस कला में एक्सपर्ट हो, उसे इसमें मन से थोड़ी सी भी शांति नहीं मिली थी। योरिची के लिए तलवारबाजी बच्चों का खेल था, बट मिचिकात्सु और योरिची के पोजीशंस बदल जाते हैं। मिचिकात्सु को संदेह था कि उसके ट्रेनर ने उसके पिता को योरिची के बारे में बताया, इससे वो डर जाता है योरिची ही खड़ का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी होगा, जबकि मिचिकात्सु को उस छोटे से कमरे में ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। और जब 3 साल बीत जाए तो उसे मंदिर भेजा जाएगा, इससे उसका समुराई बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। तभी रात को योरिची मिचिकात्सु के पास आता है और कहता है कि उनकी माँ अब नहीं रही। समय लगभग रात के 3 बजे थे और ऐसा कुछ सुनकर मिचिकात्सु को झटका सा लग जाता है। मिचिकात्सु कहता है, तुम ये सब अचानक क्या बोल रहे हो, हुआ क्या है? इस पर योरिची कहने लगता है, मुझे माफ़ करना, मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे सुने और अपने अनुचार के रूप में साजिश को सुने। मैं आज रात ही मंदिर के लिए निकलता हूँ। इसके बाद मिचिकात्सु कहता है, तुम अब जाओगे? योरिची हाँ कहता है और कहता है कि वो सिर्फ मिचिकात्सु को अलविदा कहने आया था। वो कहता है, मैं आपके दिए इस बांसुरी को हमेशा बजाऊंगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जितनी दूर रहूँ, दिल मेरा एक ही रहेगा, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के बारे में याद करता रहूँगा जिसने मुझे ये बांसुरी दी। योरिची फिर उस बांसुरी को किसी खजाने के जैसे एक साफ कपड़े से ढक लेता है। वो एक बार फिर से मुस्कुराता है। मिचिकात्सु के लिए वो बांसुरी एक कचरा था और वो हैरान होता है कि भला एक कचरा उसे इतना खुशी कैसे दे सकता है, सो वो चुप रहता है। इसके बाद योरिची मिचिकात्सु को पूरे सम्मान के साथ सर झुकाता है एंड वैसे ही योरिची किसी अनजान जगह के लिए निकल पड़ता है जो मिचिकात्सु को नहीं पता था। बट जब एक दिन मिचिकात्सु अपने माँ की डायरी पढ़ता है, उसे पता लगता है कि योरिची ने रियलाइज़ किया था कि मिचिकात्सु की जगह वो ले लेगा। जाहिर है कि निर्णय किए जाने से पहले ही वो घर से निकल जाता है। योरिची को सब कुछ पता था, उसकी माँ की बीमारी और वे कब मरेगी। सालों से उसकी माँ भुगत रही थी क्योंकि उनके शरीर के बाया भाग इम्पेयर्ड था एंड एक्चुअली योरिची उसके माँ के लेफ्ट में ऐसे ही चिपका नहीं था, वो उनके सपोर्ट के लिए कर रहा था ताकि वह ठीक हो जाए। और तभी से मिचिकात्सु का शरीर जलन की आग से जल रहा था। उसके शरीर के गहराई से उसे योरिची नाम के उस जीनियस से घृणा होता है। योरिची के पिता ने योरिची को वापस लाने मंदिर को एक चिट्ठी भेजा, पर योरिची मंदिर में था ही नहीं। अचानक वो ऐसे बिना सुराग के गायब हो गया। मिचिकात्सु इससे बहुत खुश था। ऐसे ही उसने अगले 10 साल शांति से बिताया। उसके शादी करके बच्चे भी हुए। हर दिन शांत और कुछ हद तक बोरिंग भी था। समय भी बहुत धीरे बीतने लगा। हाउएवर जहाँ मिचिकात्सु एक दिन कैंप कर रहा था, एक डीमन वहाँ हमला करता है। समय स्थिर था पर अब चलने लगा। तभी वहाँ कोई आके उस डीमन का गला काट देता है और मिचिकात्सु को बचा लेता है। एंड ये कोई और नहीं बल्कि योरिची था। अब योरिची एकदम अलग बन चुका है। अब वो तलवारबाजी में माहिर है और आसानी से किसी डीमन को हरा सकता है। जैसे ही मिचिकात्सु ने योरिची को देखा, उसका वो सुख और शांति चला गया। फिर से उसका शरीर जलन और नफरत से जलने लगा। सिंस मिचिकात्सु के दल के बाकी मेंबर्स मर चुके थे और योरिची को आने में थोड़ा देर हुआ, इसके लिए योरिची अपने भाई से माफ़ी मांगता है। अब योरिची बलवान है और निर्दोष चरित्र का व्यक्ति है। मिचिकात्सु को किसी भी कीमत पर योरिची का ये ताकत चाहिए था। इसके वजह से उसने अपने घर, बीबी और बच्चों को भी अकेला छोड़कर योरिची के जैसे डीमन स्लेयर बनने का कदम उठाया। योरिची किसी को भी तलवारबाजी और ब्रीडिंग स्टाइल्स के बारे में सिखा सकता है, बट कोई और इंसान उसे बराबर ही नहीं कर सका। हर किसी के स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को देखकर योरिची ने उनके लिए अलग अलग ब्रीडिंग स्टाइल्स बनवाए। ऐसे ही सन ब्रीथिंग से धीरे धीरे नए ब्रीडिंग स्टाइल्स बनते गए। जी हाँ,
आज के ज़माने में जैसे थंडर ब्रीथिंग, वाटर ब्रीथिंग, स्टोन ब्रीथिंग, विंड ब्रीथिंग या कोई और भी हो, ये सभी सन ब्रीथिंग से ही ऑरिजिनेट करते हैं। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सन ब्रीथिंग को ही कहा जाता है। एंड इसलिए योरिची सुगिकुनी डेमन स्लेयर सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। मीनवाइल ऐसे शरीर में मार्क रहने वाले लोग बढ़ते गए और डेमन स्लेयर कॉर्प्स ताकतवर बनते गए। मिचिकात्सु ने भी अब तक अपने मार्क को अनलॉक कर लिया होता है। एंड ये मार्क योरिची के मार्क के जैसा ही सेम था, बट अनफॉर्चुनेटली मिचिकात्सु सन ब्रीथिंग यूज़ करने में असफल रह जाता है। वो सिर्फ एक डिराइवेटिव को यूज़ कर सकता है जिसे मून ब्रीथिंग कहा जाता है। मिचिकात्सु को उम्मीद था कि अगर वो कड़ी ट्रेनिंग करता जाए तो वो योरिची को भी पीछे छोड़ सकता है। जैसे जैसे वो हताशा में डूबने लगा, मार्क वाले लोग भी एक के बाद एक मरने लगे। एक्चुअली एक डेमन स्लेयर मार्क किसी को पावर बहुत देता तो सही है, बट इसके बदले ये उस इंसान से जीवन को भी छीन लेता है। सो वो सुनहरे दिन जल्दी ख़त्म हो रहे थे। मिचिकात्सु के पास भी अब समय नहीं था और वो भी जल्दी मर जाता है। तभी एक दिन वो किसी अजीब बंदे से मिलता है। वो बंदा मिचिकात्सु से कहने लगता है, तुम एक डीमन क्यों नहीं बन जाते? अगर तुम एक डीमन बन जाओ तो तुम हमेशा के लिए जी सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम ब्रीडिंग स्टाइल्स सीख सको, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा डीमन बनाऊँ जो ब्रीडिंग स्टाइल्स को यूज़ कर सके। तो क्या कहते हो, डीमन बनोगे? वेल, इस बंदे के बातों से तो आप शायद ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मुजान है। जी हाँ, ये मुजान ही है। जो रास्ता मिचिकात्सु ने अपने दिल के गहराइयों से आशा किया था वो खुल गया था। अब वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। पर बदकिस्मती से योरिची मिचिकात्सु यानी कोकुशिबो से फिर से मिल ही जाता है। सो जब कोकुशिबो बूढ़ी योरिची से मिलता है और योरिची मर जाता है, कोकुशिबो को फिर से जलन होने लगती है। हमेशा योरिची ही क्यों खास था? ऐसे ही कोकुशिबो गुस्से को काबू ना कर पाके उस खड़े मुर्दे योरिची को अपने तलवार से दो टुकड़े कर देता है। वो देखता है कि उसके शरीर के साथ साथ वो बांसुरी भी दो टुकड़े हो जाता है जो मिचिकात्सु ने ही उसे दिया था। इससे कोकुशिबो को बहुत इमोशनल फील हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। एंड इस सीन से सीरियसली मैं भी खुद बहुत दुखी हूँ। योरिची के चेहरे को देखने से कोकुशिबो को अजीब लगता था। योरिची के आवाज़ से ही कोकुशिबो गुस्सा होता था। कई सालों जीने के बाद भी कोकुशिबो को वही जवान योरिची का चेहरा याद आता है जो वो भूलना चाहता था। कोकुशिबो को ना कि उसके पिता का या माँ की या पत्नी की या बच्चे का चेहरा याद था सिवाय योरिची के। मीनवाइल प्रेजेंट में कोकुशिबो का शरीर जलकर राख होने लगता है और मरते मरते कोकुशिबो मन में योरिची के बारे में सोचता रहता है। तुम अप्रतिम सूरज के समान हो। तुम्हारे आसपास के हर मनुष्य के पास लालसा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपने हाथों को फैलाते हुए और तड़पते हुए जब तक वह राख ना हो जाए। मैंने कभी भी कुछ भी नहीं पकड़ सकता था, कुछ भी। मैंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने बीबी और बच्चों को छोड़ दिया, और अपनी इंसानियत को भी छोड़ दिया। मैंने अपने वंशज को भी काट डाला और अपने समुराई बनने के मकसद को भी छोड़ दिया। बट क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं थे? तुमने तो कहा था कि जो अपने रास्तों पर कामयाबी हासिल कर लेते हैं वे सभी एक ही जगह पहुँच जाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैं वही दुनिया नहीं देख सका जो तुमने देखा था। तुम्हारे मौत के बाद मुजान सामा और मैंने उन डिमसलर्स को मारने का फैसला किया जो सन ब्रीथिंग और उसके फॉर्म्स को जानते हैं। सिर्फ तुम्हारे ब्रीथिंग स्टाइल से क्यों रह सके? मैं क्यों कुछ नहीं छोड़ सका? मैं कोई हूँ क्यों नहीं? हम इतने अलग क्यों हैं? मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया? मुझे बताओ योरिची। एंड यही थे कोकुशिबो के लास्ट वर्ड्स। प्रेजेंट में अब उसका शरीर जलकर पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही मिचिकात्सु सुगिकुनी या परमुनवान कोकुशिबो शर्मा का अंत होता है। तो गाइस, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था एंड क्लियर था। वीडियो में अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज लाता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है देन अभी जाओ और फॉलो करो, मैं वहाँ भी एक्टिव रहता हूँ। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।